हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ढोसा बनाना है। देखिए ढोसे के लिए मैंने तैयार धो लिया अच्छे से चावल, और ये दाल है, ये मूंग दाल है, गोटा मूंग दाल और चावल है। इस कटोरी से हमने कटोरी चावल लिया है और एक कटोरी उड़द दाल और चावल हमने भिगा लिया है, धोई जिसको बोलते हैं हम लोग उसका लिए हैं, और इसको हम पानी में भीगने के लिए 5-6 घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह से ढक के 5-6 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद देखिए हमारे कितने अच्छे फूल गए हैं, दाल और चावल दोनों ही कितने सुंदर से फूल गए हैं। इसे हम अब मिक्सर में पीसेंगे। तब तक इधर हम पीसेंगे, उसके पहले हम दाल को बैठा देते हैं। ये राहर की दाल है, 1.5 कटोरी इस कटोरी से मैंने लिया है। इस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी लिया है इसमें दाल राहर का। इसको हम इसमें कुकर में डाल देंगे। अब चॉप किया हुआ टमाटर है, 3 हम टमाटर मीडियम साइज के काटे हैं, इसे इस डाल देंगे इसमें ताकि सब अच्छी तरह सब्जी गल जाए, झटपट एकदम बन जाएगी जल्दी से। उसके बाद इसमें हम ये गाजर हम काटे हैं ये भी डाल देंगे। प्याज हमने काट के रखा है इसके भी इसमें डाल देंगे। इसमें मसाले भी हम डालेंगे। हमने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है। अब इसको हम पानी डाल के कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे। तब तक हमारा दाल बनेगा, सांभर तैयार हो जाएगा। तब तक इधर हम इस पर हम सीम करके 3 सीटी लगा देंगे, अच्छी तरह सब पक जाएंगे। उसके बाद हम इसका छौंका लगाएंगे। हमने आलू को उबाल लिए थे, 4 आलू बड़े थे हमारे, इसमें से हम आलू को 4 बड़े आलू थे। इसमें धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, नमक सब इसको मिला के इसमें इस तरह से हमने रख लिया है। इस तरह से सब मिला दिए हैं। अब इसमें हम पीसेंगे इसको मिक्सर में डाल के। बहुत अच्छा हमारा बेटर बना है। इसी तरह से ये भी पीस लेंगे हम सारा। देखिए हमारा कितना सुंदर से पीस गया है पूरा बेटर। हमारा ढोसे का बेटर कितना सुंदर पिसा हुआ है, देखिए झटपट नाश्ता है शाम के लिए। देखिए हमारा कितने अच्छे से सांभर पक गया है, 3 सीटी मात्र लगा है, और कितने अच्छे से हमारा ये सांभर देखिए कितना अच्छा से सारा इसमें गल गया है सब्जी, बहुत अच्छा है। देखिए अब इसमें हम छौंका लगाएंगे। छौंका के लिए हमने गैस को ऑन कर दिया है और पैन को इसमें रख देते हैं। अब इसमें हम सरसों तेल डालेंगे, 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। जीरा 1/2 स्पून डालेंगे जीरा। उसके बाद ये है हमारा सरसों और 2-4 हमने मेथी के दाने भी डाले हैं जिससे कि बहुत अच्छा स्वाद आता है। 2-4 डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची है, 2 डाल दिए हैं इसमें हम, और ये हमारा अदरक है छोटा छोटा काटे हैं थोड़ा, इसको भी डाल देंगे। 2 हरी मिर्च है, 1/4 हम इसमें हींग भी ऐड करेंगे। हींग बहुत अच्छा होता है, इससे स्वाद भी अच्छा आता है।
और सुगंध भी अच्छा होता है इसमें डालने से ही। थोड़ा सा ही इसको डालेंगे। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, इसीलिए हम पक जाएगा उसके साथ ही होगी। और ये हम आमचूर पाउडर है थोड़ा सा डाल रहे हैं, क्योंकि हमने खट्टा टमाटर बहुत डाला था ज़्यादा। और एक तेज पत्ता है, तेज पत्ता ही भी इसमें हम डाल देंगे। घर में जो भी सामान आपका है उससे ही हम कर सकते हैं, ये जो भी डालिएगा सांभर के लिए इसमें, जो सब्जी आपके घर में है उसी का यूज करके आप बना सकते हैं इस तरह से। हमारी छौंका तैयार हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे। देखिए हमारी सांभर कितनी अच्छी बनी है, देखिए कलर भी कितना अच्छा है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाला है। हमारा देखिए इधर बैटर भी तैयार है, धनिया पत्ती डाल देंगे लास्ट में इस तरह से। बहुत अच्छी बनी है हमारी सांभर। सोडा डालना है, थोड़ा सा ही डालना चाहिए। देखिए चुटकी भर हमें यूज करना है, इसके हम डाल देंगे इसको। अब थोड़ी सी पानी इसमें एकदम थोड़ा सा एक चम्मच डाल के इसको इस तरह से मिला देंगे। पहले से डाल के नहीं रखिएगा, बनाते समय ही सोडा पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो इनो हो, सोडा हो, जो भी आपके अवेलेबल हो बनाते समय ही डालें बेटर में। कितना अच्छा हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब देखिए हमारा तवा गरम है, अब इस पर हम बैटर को डालेंगे। एकदम हल्का सा एकदम तेल डालना है, बस फैला देते हैं। इसमें हम अपना बैटर को डालेंगे, इस तरह से धीरे धीरे फैलाना है। गैस को लो ही रखना है, इस तरह से धीरे धीरे हाथ से फैलाते जाइए। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पक गया है, देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इस तरह हमने पलट दिया, देखिए कितने सुंदर से दोनों साइड से हमारे पक गए हैं ये डोसा। देखिए कितने अच्छी तरह से पक गए हैं, एकदम कम सामान में घर में यूज कितना अच्छा से सब बन गया शाम का नाश्ता। देखिए दूसरी भी इसी तरह से बनेगी, देखिए धीरे धीरे इस तरह से चलाना। इसी तरह से दूसरी वाली भी बनाई है, देखिए कितनी अच्छी से बने हैं। देखिए मेरे एक तरफ हम लोग का हो गया है, अब एक तरफ इसे हम फिर इस तरह से पलट देंगे। देखिए कितने सुंदर सुनहरे एकदम पक गए हैं,
कितना पतला सॉफ्ट, देखिए जालीदार, देखिए किस तरह से जालीदार हुआ है, देखिए किस तरह से जाली जाली हो गया है सब। दूसरी तरफ भी पका लेंगे हम। देखिए दोनों साइड कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे और फिर उसी तरह दूध भर डालना है, तेल ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए हमारा ये आलू का चोखा हमने बना दिया था इस तरह से, इसमें थोड़ा सा मिला देना है, इस तरह से रख देना है। जितना आप जो भी इसमें चीज़, हमने इसमें कुछ यूज नहीं किया है ज़्यादा, हल्का प्याज है, धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है और नमक है, बस ज़्यादा हमने यूज नहीं किया है कोई चीज़ का। हेल्दी है, बहुत अच्छा है शाम का नाश्ता। इस तरह से थोड़ा सा लेके इसी तरह सब में करना है, जितना भी हमारा डोसा है, एकदम कम समय में बहुत अच्छा से बन जाता है शाम का नाश्ता। हेल्दी है ये, जो भी घर में आपके पास है आप इसे बनाइए, सर्व करिए, बच्चे लोगों को खिलाइए। ये हमारा सांभर है, देखिए कितने अच्छे हमारे सांभर और ये डोसा बन के आए हैं निकल के, देखिए देखिए कितना अच्छा हमारा ये थाली तैयार हो गया है शाम का नाश्ता का। बनाइएगा, हेल्दी है, और बना के कमेंट में से कमेंट कीजिएगा। बाय।